सुश्री शीतल देवी। निशाना देख लिया, नाम भी सुन लिया। वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सुश्री शीतल देवी। बाजू पूरे नहीं हैं, ताली नहीं बजा सकती, लेकिन कारनामा ऐसा है कि लोग ताली बजाते हैं। बिना हाथ के आत्मविश्वास से लबरेज 16 साल की शीतल देवी अर्जुन अवार्ड लेने जाती हैं तो हर नज़र उन पर टिक जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें अवार्ड देती हैं, शीतल उन्हें शुक्रिया कहती हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले के एक गाँव में जब शीतल पैदा हुई तो फोकोमेलिया बीमारी के चलते उनके बाजू नहीं बन पाए। पिता गरीब किसान थे, 11 राष्ट्रीय राइफल की नदन कमान ने उन्हें अडॉप्ट किया, बाद में उन्हें आर्टिफिशियल हाथ भी लगाए गए। लेकिन शायद शीतल को कामयाबी की कहानी पैरों से ही लिखनी थी। पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर स्पोर्ट्स निखिल नाथ से बातचीत में उन्होंने इस बारे में बताया था। एक समय ये भी आया था, आपने प्रोस्थेटिक्स लेने की कोशिश करी थी, फिर वो टेक्निकली वो चीज़ नहीं हो पाई थी, तब आपके जहन में क्या जा रहा था? आप उदास हुए थे, आप थोड़े डाउन हुए थे? मैंने लगवाई थी बाजू और मुझे लगा था उनसे कुछ काम होगा तो, बट उनसे कुछ काम नहीं हुआ और वो भारी थे। जब मैंने लगाया था तो मुझे अच्छा लगा था वो, तो बाद में वो भारी जब लगाने लगी तो भारी लग रही थी, तो फिर मैंने नहीं लगवाई। तब आपको कुछ ऐसा हुआ, उदास हुए कि यार ये एक ऑप्शन था ये नहीं हुआ, या आपने उसको देखा कि नहीं कोई बात नहीं ये चीज़ नहीं हो रही, मैं जैसी हूँ मैं उसमें और बेहतर होंगी, ये सब चीज़ें तो अलग? हाँ, ये मैंने सोचा था अगर इनसे कुछ नहीं होगा तो आगे कुछ अच्छा करूँ। शीतल देवी ने ना तो बचपन में हार मानी ना बड़े मौकों पर कोई बहाना बनाया। कैसे आपने आर्चरी की तरफ गई, क्योंकि मुझे ये सुनने में आया कि आप पेड़ पे चढ़ जाती थी बड़ी आसानी से, हैं तो वहां से किसी को पता चला यार इसमें तो एथलेटिक एबिलिटी है, तो ये बचपन से ही बाकी बच्चों के साथ आप पेड़ पे चढ़ जाया करती थी? सबसे पहले हम जब घर पे होते थे बस हम स्कूल जाते थे दोस्तों के साथ आके खेलते वेलते थे, हम पहले लकड़ी का धनुष बनाते थे ऐसे खेलने के लिए, हमें नहीं पता था कि सच में धनुष होती है। फिर बाद में जब हम बैंगलोर गए थे ट्रीटमेंट करने के लिए, वहाँ पे प्रीति मैम मिली, उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया। स्ट्रेंथ मुझे पहले से ही थी अच्छे, मैं पैर से सब कुछ काम करती थी पहले से ही और आज भी करती हूँ। क्या क्या कर लेते थे आप पहले पैर से, मतलब लिखना, मोबाइल पे स्क्रॉल करना, सब कुछ? हाँ जी, पढ़ना लिखना मोबाइल चलाना सब पैर से करती। शीतल के कोच कुलदीप बैदवान ने उनके लिए खास किट तैयार की जिसमें वो पैर और मुंह के जरिए सटीक निशाने लगाने लगी। शीतल ने 2023 में चीन में हुए एशियन पैरा गेम्स में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था, वहीं वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप में भी वो सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। एशियन पैरा गेम्स मेडल जीतने के बाद पीएम मोदी बाकी खिलाड़ियों के साथ शीतल से भी मिले थे। गरीबी, हाथ का ना होना आगे बढ़ने से रोकने के एक्सक्यूज़ हो सकते थे, पर शीतल ने बहाने नहीं बनाए, पैर जमाए, पैरों से ही निशाने लगाए। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कभी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए हिम्मत अपनी हारनी नहीं चाहिए, विश्वास रखना चाहिए अपने आप पे, बस वो करके दिखाना। निखिल नास के इनपुट के साथ एक खबर लिखी हमारे सहयोगी गौरव ताम्रकार ने। मैं हूँ दिव्यांशी सुमराव, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।